आज मिस्त्री वाला नहीं आया, वो जो कर रहा है वही काम को क्या करते हैं, कहते हैं लिंटर उतारना। क्यों भाई जो आप काम कर रहे हैं इसको कहते हैं लिंटर उतारना। तो आज वो नहीं आया मिस्त्री वाले? हाँ नहीं आया, क्योंकि जावेद साहब ने छुट्टी कर दी होगी उनकी। हाँ तो हम लोग ऊपर चलना चाहेंगे। अच्छा चलिए आप करिए 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 करिए। और थोड़ा पीछे चला जाऊँ मैं? थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, बता रहे हैं इनका दिशा निर्देश है। और पीछे आ जाओ, आ सकता है ना वहाँ। जो जिस सामान से आप काम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं भाई? ये यार जवाब नहीं दे रहा भाई, मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई इस सामान को क्या कहते हैं? शटरिंग। शटरिंग बोलते हैं इसको। ऊपर देखते, ऊपर कुछ काम हो रहा है। आओ लो भाई। या आज नहीं उतारेंगे, पकड़ना पड़ेगा। यहाँ उतार रखी वेट। ये शटरिंग लिए हुए साहब आप देख सकते हैं, और ये शटरिंग है, लिंटर उतार रहे हैं। आ जाइए, है रास्ता, आप परेशान मत होइए, आ जाइए। ये जो आपको हवेली नज़र आ रही है, हवेली नहीं है, दरअसल हमारा ग्राउंड फ्लोर है। और ये ऊपर से ये कूड़ा कबाड़ा निकलता हुआ आप देख सकते हैं, और हम इस जीने के ज़रिए ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर का मतलब बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि हमें अभी बहुत जीना है। ये देखिए यहाँ पे ये नज़र आता हुआ, जी क्या कह रहे हैं आप? ये आज ही बना होगा। ये लिंटर कब पड़ा है? ये वाला अभी लिंटर पड़ा था, शटरिंग ये इसको शटरिंग बोलते हैं, इसके ऊपर लिंटर था। ये देखिए शटरिंग नीचे कितनी इसकी हाइट है कमरे की? 11 फीट। और ऊपर कितनी रखी? 10.5। थोड़ी सी कम ऊपर की है। 8 फीट पे कितना रहा भाई? इस जगह पे ऊपर कोई बैठे हो साहब तो बता दे, मैं ऊपर आना चाह रहा हूँ, कुछ गिरेगा तो नहीं? आ जाइए, चलिए इधर से आ जाइए। किसी चीज का सहारा ना लीजिएगा। हाँ साहब, है जो बल्ली बल्ली का सहारा मत लेना। बल्ली बहुत कमजोर है, इधर से आओ इसको पकड़ो। आप पकड़ के खींचोगे बल्ली हट जाएगी। हाँ तो कमजोर हुई ना, तभी तो हटेगी। 20 17। अरे रुको तो यार, क्यों इतनी उजलत, तुम देख नहीं रहे हो, भागे चले आ रहे हो क्या? और क्या यार, बल्ली को टच नहीं करना है। यहाँ पे खड़े हो, ये देखिए श्याम साहब ये साइड से खराब हो गया था इसलिए काटा है। तो यहाँ आप शटरिंग लगा रहे हैं, नीचे शटरिंग खुल रही है, ये मामला है। ये बल्ब यहाँ पे जलता हुआ, जरूरत पड़ती है लाइट की भी। हाँ मशीन ना चलिए। पाइप किस स्टेज पे डल रहे हैं? पाइप
नहीं नहीं मतलब वो किस स्टेप पे पड़ते हैं, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन सबसे लास्ट में होता है उस टाइम पड़ते हैं या जगह अभी छोड़ दी होगी लास्ट में करेंगे। अच्छा ये देखिए बल्ब ऊपर तो जाता हुआ फिर नीचे आता हुआ, ये बल्ब जो है मशीन चल रही है। ये लेंटर पड़ने अभी तो चिनाई लेंटर कॉलम ये हो रहा था यार। इसका प्लास्टर होगा इसका तो प्लास्टर से पहले नहीं डालते पाइप? हां पहले पड़ेंगे तो फिर आप बाद में क्यों जी जी लेंटर पड़ जाएंगे ना ये भी खुल जाएंगे फिर ये कटिंग होगी दीवारों की जब पाइप पड़ के फिर उनकी प्लास्टर। अच्छा लेंटर के बाद तो भाई देखिए पाइप जो हमारा दिल्ली में फ्लैट है उसमें जो नल है ना वो घिसते से रहते हैं मतलब खराब क्वालिटी के पाइप लगा दी तो भाई यहाँ तो नहीं होगा मतलब यहाँ पे नलवल सही चले बस इसका ध्यान रखना। और वो बालकनी प्लास्टर के पहले लगता है इन्होंने अभी ज्ञान दिया है मुझे बाजार में। रुकिए रुकिए मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मैं कैमरे में हूँ। हाँ जी रुक जाइए भाई रुक जाइए आइए आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर भी काम चल रहा है ये शटरिंग लगती हुई आप देख सकते हैं ये शटरिंग लगती है आप देख सकते हैं ये आवाज़ जो है शटरिंग लगने की है और ये कील के जरिए उसको ठोका जा रहा है फिर ये शटरिंग खुल गई उसके बाद प्लास्टर हो गया ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं हमारा पुराना मकान था करीब हाफ सेंचुरी पुराना था जो पोशीदा हुआ है तो बाहर से देख सकते हैं और नया तामीर हो रहा है निर्माण कार्य प्रगति पे है। सड़कों पे लिखा रहता है कृपया धीरे चलें तो यहाँ भी कृपया धीरे चलें क्योंकि बहुत सारा सामान है। और किस बिल्डिंग में और ये अजीब वो इंसिडेंट है कि वहाँ भी लेंटर पड़ रहा है होती है तो शटरिंग में ज्यादातर यही इस्तेमाल होती है हर तरह की लकड़ी होती है कोई उसमें वो नहीं है कोई भी लगा सकते हैं आप जिसमें चौबासा नहीं चला जाए हाँ मतलब मुलायम को क्या मतलब इधर मारी भैया लाइन के जो जिससे ऊपर हाथ में जो वहीं तो मेरा कैमरा था आप तो लकड़ियां तो खराब हो जाती होंगी जल्दी जल्दी कीले पड़ती हैं लगातार इनमें ये तो खराब ही होती है भाई। ये देखिए आप शटरिंग लगती हुई वो लकड़ियाँ जो थोड़ा सा मुलायम रहती हो चोट जाने में आसानी हो
ये देख सकते हैं आप शटरिंग। चलो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं, यहीं पे तो वीडियो बनाई थी हमने सारी पूरी है इस दीवार की। ये हमारा जीना है सेकंड फ्लोर के लिए। आप नहीं आ पाएंगे, गिरने का मौका है। नीचे से आ सकते हो, ऊपर से कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शटरिंग का कार्य प्रगति पर चलता हुआ, और पापा आएंगे देखने, इसको विजिट करने आएंगे शामिक भाई के साथ। कब? आज कह रहे थे, अभी आए नहीं है वो, और खुदा ना खास्ता पता चल गया कि मैं आया था साइड पे, तो मेरी खैर नहीं है। हमारे पापा तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसको 2 मिनट के लिए पकड़ के उस तरफ सामने दिखा दीजिए ताकि मैं इसको सेट कर दूं। मुझे ही दिखा दो, नीचे ना गिर जाए। मैंने सेट कर दिया, सेट है। चलो सब कुछ हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बस लीजिए यहाँ से, आप इसको पकड़िए और ये सब दिखा दीजिए आप। नहीं तुम दिखा। नहीं, हमारा मामला दूसरा है ना। और कितना खूबसूरत मंजर है, हमारे छत से नीम का पेड़ और प्लस मस्जिद का गुंबद, और ये हमारे मिस्त्री साहब, ये मिस्त्री साहब जो नीचे खड़े, जो मतलब काम करने वाले जो हैं ये, और मंजर को खुशनुमा बनाते हुए अपनी शर्ट के ज़रिए से आप देख सकते हैं क्या ही शर्ट है। और आप मोमेंट तभी करिएगा जब पैर पे आपकी नज़र, ठीक है। और ये पेड़ जो है इसको काटना पड़ेगा क्योंकि हाँ पेड़ आई मीन कंप्लीट नहीं है, वर्क चल रहा है नीचे का। हाँ ठीक है, चलो बैठना पड़ेगा पूरा आपको। और किसी चीज़ का
क्यों नीचे आ रहे? मेरे को नहीं यार, नहीं जा रहा। इसको पकड़ लीजिए, और मुझे देखिए मैं कैसे उतारता हूँ, मुझे दिखाइए कैमरे से। देखिए देखिए दोस्तों, उतरने के लिए हम बैलेंस बनाना जरूरी है। सबसे पहले ऐसे आए, ठीक है दोस्तों? कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। मैं रखता जॉन सीना हूँ। ये देखिए क्या कर रहे हैं जॉन सीना, लेंटर बना रहे हैं। लेंटर बनाते हुए अगर रास्ता इधर से सही हो तो इधर से ही निकल जाए। एक बल्ली और ऐड कर दी। भाई बल्लियां इधर बढ़ जाएंगी अभी और। भाई सब जगह गई, बात तो सुन लीजिए मेरी। मैं कह रहा हूँ जो मैं अभी आया था ना, उसके बाद एक दो बल्लियां शायद बढ़ गई हैं, इधर और बढ़ रही हैं, उतनी रहेंगी हाँ, तो हम निकल जाएंगे ना फिर। काफी डस्ट है यहाँ पे, जो मेहनत का मशवरा देती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लकड़ी जो छलनी हो गई है, ये शटरिंग में यूज होती है, और शटरिंग के बाद कामल लिंटर का होता है, और प्लास्टर के पहले पाइप लगते हैं। एम आई करेक्ट? एक्चुअली आज हमारे मिस्त्री साहब नहीं है जो मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं, ज्ञान की बौछार करते हैं। ये हमारे एक काम करने वाले साहब हैं, इनका क्या नाम है, चलिए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? ये थोड़ा सा मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? बॉबी। बॉबी हाँ। बॉबी आपका नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं भाईजान आप? बरेली के। अरे तो आप मेरी तरफ के ही हैं, बरेली से आए हुए हैं। बरेली 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 ना है, बरेली अलीगढ़ के आसपास है क्या? देखिए ये कील है, कीलों के जरिए ये कमजोर लकड़ी मजबूत हो रही है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो हमें मजबूत बनाती है। इस कील से सीख लेने की जरूरत है। ये कमजोर लकड़ी है लेकिन कीले चारों तरफ लगाई जा रही हैं जिससे ये लकड़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में बहुत सारी कीले आती हैं, सोरो आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, उनको टैकल करना चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, और हम जब लड़ेंगे तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। जैसे ये अभी देखिए काम आ जाएगा, बगैर ये क्या बोलते हैं कील की नहीं यूज कर सकते क्योंकि कमजोर बहुत है, ये ऊपर का भार उठा नहीं पाएगा, है ना भाई? कील इसीलिए लगाई जा रही है कि मजबूती आ जाए। चला जाए, ये देखिए इसको आप ख्याल रखिएगा, पीछे ये है और आगे निकल जाएगी। अरे बाबा इंजन देख तो नहीं लिया। अरे क्या पे लग रही है, बोला था कील लो बात करते हुए नीचे उतरते हुए बल्लियों को हमें नहीं टच करना है क्योंकि बल्लियां कमजोर होती हैं। ठीक है, एक और लकड़ी ऐड कर रहे हैं। अंदर ले गया।
डटारा बंद कर पीछे वाले बंद कर क्या जरूरी है बिना सिटी के करने यार तुम पे मुझे क्या करोगे ये बाहर ले जाएंगे आप इसके अंदर ले जाएंगे इसके अंदर आइए मुझसे कह रहे हैं कुछ हाँ तुम देख रहा हूँ क्या ऊपर कैसी लग रही कैसी नहीं मुझे साइड से देख लिया ना ऊपर से दिखेगी नीचे अरे गिर गिरा जाएंगे भैया इतना मुझे अल्लामा अल्लामा यहाँ हो जरा कैमरा पकड़ लो देखते हैं छत का माहौल डर तो नहीं लग रहा डर के आगे जीते बस ज़्यादा ऊपर नहीं जाना नहीं अभी बहुत काम है लाइफ में यार नमस्कार आप मत आओ क्यों चलो आप मुझे हैं अरे यार मैं भी तुम वहाँ खड़े हो क्या बस वीडियो बना लेना पकड़ ना गिर ना जाना यार लेने के देने पड़ जाए लेके गाँव में लो भाई लगाऊंगा जहाँ पे मेरा लो बनेगा बस फोन ले लो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा वीडियो अरे अरे लो अरे यार तुम कैमरामैन नहीं बन सकते वहां पर खड़े हो ना पीछे तुम छत का बनाओगे कैसे बनाऊंगा मैं यहीं से बना लो नहीं नहीं यहां से कुछ नहीं नजर आता तो हाथ तो चला जाएगा हाथ से बन जाएगा क्या कर रहे हो और इनकी कील का आप मुआयना करेंगे नहीं तुम्हारा छत का बन जाएगा यार क्यों कर रहे हो बैलेंस ऊपर जाने से कम हो रहा है हम लोग घर पे चलते हैं घर पे चलते हैं ना हम लोग यहाँ तो तजर्बे की बात है ना लगा रहा है ये देख लो ला भाई किल लगाओ ये इसको मजबूत कर रहे हैं वो रोकने के लिए ये फावड़ा है ये तार इसलिए लगाते हैं मजबूती के लिए वरना रुकेगा नहीं फिर आप देख सकते हैं ये तार लगाते हुए कील के साथ तार लगाते हैं उसको मजबूती के लिए शटरिंग के लिए हमने नीचे देखा कि शटरिंग खुल रही थी और यहाँ शटरिंग लग रही है अब शटरिंग के बाद शटरिंग उतरेगी फिर प्लास्टर होगा है ना आप देख सकते हैं और बंद करें देखो ना कैसे लग रहा है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है गिर रहा है नीचे क्या गिर रहा है गिर रहा है स्टूडियो तुम भारी चीज़ को गिर सकते हैं जो बस इसका काम हो जाए फिर चलो ओके 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 जैसे जंगलों में घास होती है उसी तरह से ये तार जो है हिल रहा है ना
जो लोग ये देखिए कील के अंदर ये तार लिपटता हुआ और ये हथौड़ी से अंदर जाता हुआ, बहुत करीब से मैं दिखा रहा हूँ। ये शटरिंग वाले अलग होते हैं, चिनाई वाले अलग होते हैं। अच्छा। और क्या, कंस्ट्रक्शन में भी कई स्पेशलाइजेशन है। हाँ। के डॉक्टर अलग, कान के अलग। हाँ थक गया, हाँ थक गया। कोई बात नहीं, एकदम नॉर्मल रहो, नेचुरल लाइफ जियो। पापा कह रहे हैं नेचुरल लाइफ। ये तार बाहर खींचते हुए मजबूती के लिए तो है। खैरियत ज़ूम करके मैं दिखा रहा हूँ। और ये कील, ये कील तीर की तरह अंदर के लिए। ठीक है, अब ये चेक किया पैर से इन्होंने, तो इन्होंने इनको लगा कि मजबूत हो गए और सही लगाया शायद। ठीक है, ये जबरदस्त लोग हैं। चलो ठीक है, ये लिंटर का काम आज हो रहा है, कल और इस पे हम वीडियो डालेंगे। ठीक है ना, कल लिंटर आएगा, प्लास्टर आएगा। आप जुड़े रहिए हमारे वीडियोस को, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए। हम आपको कंस्ट्रक्शन से संबंधित, निर्माण कार्य से संबंधित वीडियो दिखाते रहेंगे। ये मेरा बन रहा है मकान, और जितनी भी वीडियो होंगी मैं सब डालूंगा, आप बस जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।